नमस्कार बच्चों, आज हम आपको विभव प्रवणता पर आधारित सवालों को बताएंगे कि विभव प्रवणता पर आधारित सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो विभव प्रवणता के बारे में तो हम पहले ही आप लोगों को वीडियो दे चुके हैं, उसमें बता चुके हैं कि विभव प्रवणता क्या होती है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है। तो ये तो हम पहले से आपको वीडियो उपलब्ध करा चुके हैं। अब यहाँ पर हम उस पर आधारित सवालों को बताएंगे कि सवाल कैसे लगाए जाते हैं। सवाल लगाने से पहले थोड़ा सा हम फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। तो अगर कहीं पे भी प्लेटों के बीच विभवांतर दिया जाए कि दो प्लेटें हैं उनके बीच विभवांतर भी है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर वी अपॉन डी। इस फॉर्मूले पे आधारित हम सवालों को लगाने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि एक तार 10 मीटर लंबा है। तो जैसे ये तार हो गया, ये तार जो है वो 10 मीटर लंबा है। इस तार के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर दे रहे हैं, तो तार की जो लंबाई होगी वो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी तो हो सकती है, इसलिए इसे हम डी से लिख देंगे। तो डी बराबर 10 मीटर है। इन तार के जो दो बिंदु हैं उनके सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ई बराबर वी अपॉन डी। वी की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू 10 है। यहाँ 10 का भाग 1 में देंगे तो आ जाएगा 0.1 वोल्ट पर मीटर। तो ये तो एक सिंपल सा सवाल था। अब जैसे एक सवाल और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि अगर मान लो कोई भी कहीं पर हमें ऐसा दिया जाए कि कोई भी प्लेट है या कोई तार है, उनके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो दूरी के साथ बदल रहा है। दूरी के साथ इस प्रकार बदल रहा है तो उसका समीकरण दिया जाए। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं एक सवाल दिया गया है, यहाँ पर जो विभवांतर का मान है वो दे रहे हैं 5x² - 2x + 10 वोल्ट। तो ये जो विभव है वो इस तरह से दूरी के साथ बदल रहा है। तो कह रहे हैं x बराबर 1 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भी का मान हमें समीकरण के रूप में दिया जा रहा है। तो जब हमें भी का मान समीकरण के रूप में दिया जाए तो फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर -dv/dx। तो यहाँ पर E बराबर -d, वी की जगह वी की वैल्यू लिख दी हमने, 5x² - 2x + 10/dx रहेगा। ई बराबर माइनस, तो जो तो डी का मतलब है कि इसका हमें अवकलन करना है, और अवकलन करना है वो भी एक्स के सापेक्ष, जिसका भाग होता है उसके सापेक्ष करना है। तो अवकलन क्या होता है, ये सारे बच्चे मैथ में पढ़ चुके हैं, आप लोगों के मैथ के टॉपिक में है अवकलन, और काफी ज्यादा एक्सरसाइज भी आप उनमें पढ़ चुके हो, काफी बड़े बड़े पढ़ चुके हो, लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट है वो शायद अवकलन के बारे में नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अवकलन के बारे में आपको बता देंगे कि किस तरह से अवकलन होते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला बस यहाँ जानने की जरूरत है, वैसे तो अवकलन काफी चीज बड़े होते हैं। तो माइनस चिन्ह जगह तो 5 भी जगह तो, क्योंकि अवकलन जब हम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें किसके सापेक्ष करना है, जिसके सापेक्ष हमें अवकलन करना होता है केवल उसी पद का अवकलन होता है, बाकी के पद ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ 5 ज्यों के त्यों लिख दिया जाएगा। x² का अवकलन होगा क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो अवकलन करने के लिए क्या होता है कि कोई जिस पद का हम अवकलन करते हैं अगर उस पर पावर है, कोई भी घात अगर लगी है, तो जितनी भी उस पर पावर होती है, जितनी भी उस पर घात होती है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं x पे पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, और जो भी पावर अब उस पर रहती है वो हट के उस पर 1 कम हो जाती है। तो यहाँ 2 थी तो बद रह जाएगी, माइनस जो करता हूँ 2 जो करता हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं x पे पावर 1 है तो जितनी भी पावर होगी वो आगे आएगी, और उस पर जो पावर अब रहेगी वो उसमें से 1 कम हो जाएगी, तो 1 में से कम करेंगे 0। यहाँ देख रहे हैं 10 के साथ x है ही नहीं है, इसलिए अपना इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हल करेंगे और भी, तो ई बराबर माइनस जो करता हूँ 5 × 10, x पे पावर 1 है तो केवल x लिख सकते हैं, -2 × 1 = 2, x पे पावर 0 है तो इसका मान तो 1 ही होता है, किसी भी पावर 0, 10 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 रहेगा, इसलिए -10x - 2। x बराबर 1 मीटर पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो x ही जहां पे 1 रख दिया, 10 × 1 = 10, 10 में से 2 जाएगा 8 वोल्ट पर मीटर। अब क्या होता है इन सवालों में, कहीं कहीं पे क्या होता है कि कह दिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कह दिया जाए, और कहेंगे कि इस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक आवेश रख दिया जाता है, उस आवेशित कण पर कितना बल लगेगा। तो आवेशित कण को अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बल का फॉर्मूला होता है F = q×E। इस फॉर्मूले को हम पहले से ही फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं, तो इस फॉर्मूले का भी इन सवालों में यूज हो सकता है। तो इस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव प्रवणता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव पर आधारित सवालों को हल करते हैं।